और मध्य में तीसरा लोक है। हम जिस पते पर रहते हैं उसे तीसरा लोक कहते हैं। तीसरा लोक के मध्य में एक लाख योजन लंबा और चौड़ा राम सेतु में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के मध्य में एक लाख योजन लंबा मेरु पर्वत है। मेरु पर्वत के पांडुपन में पांडु शिला के ऊपर भगवान का जन्म महोत्सव होता है। जम्बू द्वीप के चारों तरफ डबल साइज वाला लवण समुद्र है। लवण समुद्र के चारों तरफ डबल साइज वाला घाटी खंड है। घाटी खंड के चारों तरफ डबल साइज वाला कालो दधी समुद्र है। कालो दधी समुद्र के चारों तरफ डबल साइज वाला पुष्कर वर द्वीप है। पुष्कर वर द्वीप के चारों तरफ डबल साइज वाला पुष्कर वर समुद्र है। जम्बू द्वीप एक लाख योजन लवण समुद्र 4 लाख योजन काटकी खंड 8 लाख योजन कालदधी समुद्र 16 लाख योजन और पुष्कर वर द्वीप 16 लाख योजन टोटल 45 लाख योजन हमारा मनुष्य लोक है जिसे हम हरि द्वीप भी कहते हैं। जम्बू द्वीप 6 पर्वत और 7 क्षेत्रों में डिवाइडेड है। 7 क्षेत्र पर्वत क्षेत्र हिमवन क्षेत्र हरिवर क्षेत्र महावीर क्षेत्र रम्यक क्षेत्र किरणवन क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। 6 पर्वत लघु हिमवन पर्वत महाहिमवन पर्वत निषद पर्वत निर्वन पर्वत रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत। अडी द्वीप में टोटल 15 कर्म भूमि और 30 अकर्म भूमि है। जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र महावीर क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र यह 3 कर्म भूमि है। सिंबल हरिवर देवगुरु उदयगुरु रम्य और हिरण्यवन यह 6 अकर्म भूमि है जहाँ अशि मसी कृषि और मोक्ष वायु उसे हम कर्म भूमि कहते हैं। जो क्षेत्रों में युक्तिश व्यवहार